अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जा रहे हैं, आज सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। 271 करोड़ रुपए की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। 46.33 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे हर्ष महिला पीजी कॉलेज दहली बाजार सुल्तानपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और मंत्री सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अंबेडकर नगर में मौजूद रहेंगे और 334 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास दोपहर 2:30 बजे होगा। हवाई पट्टी अकबरपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मंत्री बृजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और शाम 6 बजे सर्किट हाउस में अफसरों के साथ में समीक्षा बैठक होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, आज बैक टू बैक कई सारे कार्यक्रम है, कई बड़ी सौगातें आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है, क्या ज्यादा जानकारी? लगातार अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग जनपदों की जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वह सबसे पहले सुल्तानपुर पहुंचेंगे, फिर अंबेडकर नगर, फिर वाराणसी पहुंचेंगे। हालांकि अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर में उनका विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है और एक एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो जो पहला कार्यक्रम है वह सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास का कार्यक्रम है। करीब दोपहर 1 बजे ये महिला हर्ष पीजी कॉलेज में ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें करीब 271 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई मेडिकल कॉलेज का वह शिलान्यास करेंगे। वहीं अगर बात करें तो 46 करोड़ की लागत से तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो इन सबको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विस्तृत कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम की अंतिम तैयारियाँ की जा चुकी हैं और इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे और परियोजनाओं के विकास लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लें, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार सभी मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जो 4.5 साल का कार्यकाल है उसको गिना रहे हैं, तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उन्होंने काम किया है उसको गिना रहे हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि देश दुनिया और देश में बदली अन्य राज्यों में, तो उसको भी गिनाना नहीं भूलते हैं। तो इसी का नतीजा है कि लगातार एक के बाद एक मंच पर विपक्ष को ललकारते भी हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको भी गिनाना नहीं भूलते। इसके बाद वह अम्बेडकर नगर पहुंचेंगे। अम्बेडकर नगर में करीब 334 करोड़ रुपये की लागत से विकास की परियोजनाओं का वह शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और यह हवाई पट्टी अकबरपुर में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है जहां पे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, कानून मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के लोगों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के 4.5 साल के कार्यकाल में आखिर कुछ अम्बेडकर नगर में तमाम जो विकास की योजनाएं हैं वो क्या क्या रही हैं और किस तरीके से वहां की तस्वीर बदली है। तो ये दो अहम कार्यक्रम माने जा रहे हैं। इसके बाद वह सीधे वाराणसी जाएंगे, वाराणसी करीब शाम 5 बजे पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का चूंकि 25 तारीख को कार्यक्रम होना है तो ऐसे में जो तमाम जो तैयारियां हैं उसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद जमीन पर उतरे हैं। वहां पर सर्किट हाउस भी जाएंगे, सर्किट हाउस में तमाम जो अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वह बातचीत करेंगे और तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद सीधे वह सुल्तानपुर जाएंगे, सुल्तानपुर के बाद अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर के बाद वाराणसी का उनका दौरा तय है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।